बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, कायनात आलम की तारीख में ताज व तख्त नशीनी की वजह से भाइयों, बाप बेटों और दीगर करीबी रिश्तेदारों को कत्ल कर देने की बेशुमार मिसालें मिलती हैं। कई सुल्तानों ने अपनी सल्तनत को बगावत से बचाने के लिए अपने ही अकरबा की गर्दनें उड़ा डाली, और किसी बागी या गद्दार को मार देना सल्तनत की बका के लिए जरूरी भी था। अतुगरल गाजी के कबीले में भी ऐसी बेशुमार मिसालें मिलती हैं। आपके वालिद सुलेमान शाह ने अपने ही भाई को कत्ल कर दिया था, और अर्तुगरल गाजी के भाई दोनदार बे को बगावत और गद्दारी के शक में सगे भतीजे उस्मान गाजी ने कत्ल कर दिया था। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ अपनों की गद्दारी और बगावत का यह शक इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि 600 साल हुकूमत करने वाली अजीम खिलाफत उस्मानिया एक ऐसी अजीब रस्म से जुड़ गई जो न सिर्फ अजीब थी बल्कि खतरनाक भी थी। नाज़रीन, 1595 का एक दिन सल्तनत उस्मानिया के उरूज का एक यादगार दिन था। यह वो दिन था जब उस वक्त की सुपर पावर का इक्तदार सुल्तान मुराद सोम के इंतकाल पर उनके बेटे महमद को मिल चुका था, जो अब सुल्तान महमद सोम के नाम से सल्तनत उस्मानिया के ताज व तख्त का मालिक था। मगर उस दिन को तारीख में जिस वजह से याद रखा जाता है, वो शायद इस्तांबुल में शाही महल में नए सुल्तान की आमद से ज्यादा वहां से 19 शहजादों के जनाजों का निकलना था। ये जनाजे नए सुल्तान महमद सोम के भाइयों के थे, जिन्हें सल्तनत में उस वक्त राइज भाइयों के कत्ल की शाही रिवायत के तहत नए सुल्तान के तख्त पर बैठते ही बारी बारी गला घोंट कर हलाक कर दिया गया था। मौरखीन लिखते हैं कि गलियों में ये जनाजे जाते हुए देखकर इस्तांबुल के शहरियों के दिल हिल गए थे। सुल्तान मुराद के जनाजे के दूसरे ही दिन 19 शहजादों को क्यों मार दिया गया था, उनका जुर्म क्या था, इस बारे में मजीद बात करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन दबाकर हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएं। हम रोजाना आपके लिए एक दिलचस्प तारीखी वीडियो लेकर हाजिर होते रहेंगे। आज की वीडियो में पेश की जाने वाली मालूमात के हवाला जात और तारीख की किताबों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। 1595 से 21 बरस पीछे जाएं तो मालूम होगा कि सुल्तान महमद सोम के वालिद सुल्तान मुराद सोम की हुक्मरानी का पहला दिन भी मुख्तलिफ नहीं था, और उन्हें भी ऐसे ही मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ा था। सुल्तान मुराद के वालिद सल्तनत उस्मानिया के 11वें सुल्तान सलीम दोम का सन 1574 में 50 वर्ष की उम्र में इंतकाल हो गया। उस साल सल्तनत उस्मानिया ने शुमाली अफ्रीका में ट्यूनस भी फतह कर लिया था। सल्तनत की बागडोर उनके सबसे बड़े बेटे मुराद सोम के हाथ आई, जो अपने बाद वाले भाई से 20 साल बड़े थे, और उनकी जानशीनी को बजाहिर किसी से खतरा नहीं था, मगर फिर भी उन्होंने अपनी तख्त नशीनी पर अपने सब भाई मरवा दिए, और जिन्हें फिर अपने वालिद सुल्तान सलीम दोम के पहलू में दफन किया गया। यूं ये सल्तनत उस्मानिया की रस्म बन गई थी कि जब भी कोई नया सुल्तान तख्त नशीन होता तो वो दिन उसके भाइयों और शहजादों की जिंदगी का आखिरी दिन होता था। दर्जनों शहजादों और शहजादियों की इन हलाकतों की काबिले जिक्र बात यह है कि ये शहजादों का मारे जाना किसी बगावत या किसी और जुर्म का नतीजा नहीं था, बल्कि इनमें से कुछ तो गलती करने के काबिल भी नहीं थे। मुराद और महमद के भाइयों की छोटी छोटी कब्रें आज भी ये बताती हैं कि सल्तनत उस्मानिया की बुनियादों में कितने ही मासूमों का खून शामिल था। सुल्तान महमद दोम ने अपना जानशीन नामजद नहीं किया था, मगर उन्होंने अपने इंतकाल से कुछ साल कबल जानशीनी के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर दिया था,
जिसमें उन्होंने ये कहते हुए भाइयों को मारने की बाकायदा इजाजत दी कि उनका जो भी बेटा सुल्तान बने वो सल्तनत को बगावत से बचाने के लिए बाकी भाइयों को हलाक कर दे। तुर्कों में जानशीनी की रिवायत के बारे में तारीख की किताब मगरिब और मशरिक के आका में लिखा है कि इब्तिदा में उस्मानी सल्तनत में इक्तदार खानदान का मसला होता था, जिसमें भाई, चचा, कजन और कई बार खातून रिश्तेदार भी किसी हद तक हिस्सेदार होते थे। यह सूरत हाल दुनिया की उन सल्तनतों से मुख्तलिफ थी जहां इक्तदार पर सिर्फ बड़े बेटे का हक होता है। यह रस्म सदियों चलती रही और हर सुल्तान की मौत जहां किसी एक शहजादे के लिए तख्त लेकर आती थी, वहीं दर्जनों शहजादे शहजादियां कत्ल हो जाते थे। महमद सोम के बाद सुल्तान अहमद अव्वल तख्त नशीन हुए, मगर उन्होंने अपने भाई को दबाव के बावजूद हलाक नहीं करवाया। मगर यह रिवायत उस वक्त मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई थी। तारीख से मालूम होता है कि सुल्तान अहमद अव्वल के 7 बेटों में से 4 उनके तख्त पर बैठने वाले 2 बेटों सुल्तान उस्मान दोम और सुल्तान मुराद चहारुम के हुक्म पर मारे गए। डॉक्टर अकरम ने लिखा है कि जब सुल्तान अहमद अव्वल का इंतकाल हुआ तो उनकी जगह उनका भाई तख्त नशीन हुआ। हालांकि उनके बेटे मौजूद थे, यह पहला मौका था कि एक सुल्तान की मौत के बाद उनकी जगह उनके भाई ने ली। तारीख की मारूफ किताब मिल्लत इस्लामिया में सुल्तान मोहम्मद फातेह के बारे में भी लिखा है कि उसने तख्त पर बैठते ही सबसे पहला काम यह किया था कि अपने मासूम शीरखार भाई को कत्ल कर दिया था। खिलाफत उस्मानिया पर लिखी गई किताब दौलत उस्मानिया के सफा नंबर 94 पर डॉक्टर उजैर ने लिखा कि जमाम सल्तनत को हाथ में लेने के बाद मोहम्मद ने पहला काम यह किया कि अपने शीरखार भाई को, जो सुरैया की शहजादी के बतन से था, आइंदा फितने के खौफ से हौज में गर्क करा दिया। मासूम बच्चे का यह कत्ल ऐन उस वक्त अमल में आया जब गरीब और बेकस मां सुल्तान के हुक्म से बिल्कुल बेखबर उसकी तख्त नशीनी पर दरबार में तहनीत पेश कर रही थी। नाज़रीन, खिलाफत उस्मानिया के जवाल की बेशुमार वजूहात में शायद एक वजह मासूम बच्चों को बेगुनाह एक अजीब रिवायत की पैरवी में कत्ल कर देना भी था। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।